चैनल फार्मा कंसेप्ट। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक दैट इज अल्कोलॉइड। लास्ट लेक्चर में हमने वोलेटाइल ऑयल कंप्लीट किया है एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद टॉपिक अल्कोलॉइड्स। सो अल्कोलॉइड होते क्या है? अल्कोलॉइड से हमने एक वर्ड एक्सट्रैक्ट किया दैट इज एल्का, दैट इज अल्कोलाइन। सो अल्कोलॉइड्स आर मेनली बेसिक इन नेचर। अल्कोलॉइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर, इट कंटेंस नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर एंड दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। उसके बाद देखो कलरलेस, कलरलेस होते हैं अल्कोलाइड्स। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अल्कोलाइड्स कि अल्कोलाइड्स के ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स जो होते हैं, मीन्स जो ड्रग्स होते हैं, उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। बट देर इज सम एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन यू हैव टू रिमेंबर फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक्सेप्शन क्या है कि जो ड्रग है दैट इज बर्बरिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दारू हल्दी, उसका कलर कौन सा है? येलो कलर है। यह आ सकता है कि अल्कोलाइड्स हैविंग येलो कलर और बर्बरिस विच हैविंग विच कलर, मीन्स उसको कौन सा कलर है वो आपको याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज सेंग्विनारिन एंड बीटानिडिन, दिस टू ड्रग्स हैविंग रेड कलर। सो ये आपको याद करना है। दारू हल्दी से याद कर सकते हैं कि हल्दी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। सो बर्बरिस हैविंग येलो कलर एंड बीटानिडिन सेंग्विनारिन हैविंग अ रेड कलर। उसके बाद देखो नेचर, अल्कोलॉइड्स का मोस्टली नेचर कौन सा होता है? सॉलिड इन नेचर होता है। सॉलिड नेचर के होते हैं। सो सॉलिड्स फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। उसमें देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो साल्ट फॉर्म में होते हैं एंड साल्ट फॉर्म होगा तो मीन्स इट इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्रिस्टल से याद रख सकते हैं कि क्रिस्टल्स कैसा होगा? साल्ट जैसा होगा। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इन साल्ट फॉर्म एंड इट इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। एंड जो नेक्स्ट है दैट इज एमॉर्फस सॉलिड विच इज अ फ्री बेसिस एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये आपको याद करना है कि सॉलिड्स जो होते हैं अल्कोलॉइड वो दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये ज़्यादातर नहीं आता बट ये आता है एक्सेप्शन दैट इज वॉलेटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में भी अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो कौन से अल्कोलॉइड प्रेजेंट होते हैं? आप यहाँ याद रखो CNS, सो कोनिन, निकोटीन एंड स्पार्टीन, दिस थ्री ड्रग्स और वी कैन से द केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन द ड्रग अवेलेबल इन द वॉलेटाइल लिक्विड फॉर्म। ये आपको रिमेंबर करना है। कोनिन किस ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? हेमलॉक नाम का एक ड्रग है, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद देखो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज कोनिन जो है वो ऑक्सीजन फ्री होता है, स्पार्टिन इज ऑल्सो ऑक्सीजन फ्री एंड निकोटीन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ये आया था लास्ट टाइम भी क्वेश्चन। सो देखो CNS है, सो उसमें से आपको क्या याद करना है? CNS जो है वो ऑक्सीजन फ्री है एंड निकोटीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड है। सो मैंने याद कैसे किया था कि निकोटीन मींस नथिंग बट क्या होता है? टोबैको के अंदर निकोटीन होता है। जब हम टोबैको खाते हैं तो ऑक्सीजन भी अंदर लेते हैं, सो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म इज निकोटीन। मैंने ऐसे याद किया था, आपको ट्रिक अच्छा लगा तो आप भी ऐसे ही याद करो। उसके बाद देखो, और आपको खुद भी ट्रिक बना सकते हो, वो ज्यादा आपके दिमाग में रहेगी बिकॉज हम कोई चीज खुद से बनाते हैं तो याद करने में डिफिकल्टी नहीं आती। उसके बाद मोस्ट IMP क्वेश्चन दैट इज केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड। केमिकल टेस्ट को किसी भी टॉपिक के केमिकल टेस्ट को आपको स्किप नहीं करना, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल्स एंड अब देखो अल्कोलॉइड्स। केमिकल टेस्ट आपको बाय हार्ट करना है, कलर कौन सा है, रिएजेंट कौन सा है, ये ऑल थिंग्स। उसके बाद देखो ये ट्रिक मैंने बताई है, अल्का टेस्ट कर रही थी मदारा वैगनर कार में बैठकर और उसे किसने देखा था? हैगर ने देखा था। सो अल्का क्या टेस्ट कर रही थी? मदारा। सो मदारा से होगा, उसके माँ से होगा मियर्स टेस्ट, अनिड्रा से होगा ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट। उसके बाद कहाँ बैठी थी? वैगनर कार में बैठी थी, सो उससे होगा वैगनर्स टेस्ट। उसके बाद देखो हैगर से होगा हैगर्स टेस्ट। सो फर्स्ट जो है माँ से मियर्स टेस्ट, मियर टेस्ट से याद रखो, मियर जो थे, मियर साहब क्या कर रहे थे? पम्मी जी को क्रीम खिला रहे थे। सो क्रीम से क्या याद करेंगे? क्रीम कलर। एंड पम्मी से आप याद कर सकते हैं PMI दैट इज पम्मी। पम्मी से आप याद कर सकते हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड, ये रिएजेंट यूज किया जाता है इन मियर्स टेस्ट एंड विच विल यूज विच कलर? क्रीम कलर। उसके बाद देखो ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट में पोटेशियम बिस्मत आयोडाइड यूज किया जाता है। सो हम याद कर सकते हैं कि ड्रैगन को कितने मुंह थे? 20 मुंह थे। सो उससे याद रखेंगे बिस्मत दैट इज पोटेशियम बिस्मत आयोडाइड। ये आता है रिएजेंट, विच रिएजेंट इज कम्स अंडर मियर्स टेस्ट, ड्रैगन, वैगनर, हैगर। सो आपको मियर्स में याद रखना है, मियर साहब पम्मी जी को क्रीम खिला रहे थे। सो पम्मी से पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। उसके बाद ड्रैगन 20 मुंह का था, सो बिस्मत आएगा इसमें। एंड कलर क्या होगा? ड्रैगन जो फायर मीन्स ड्रैगन का मुंह खुलता है तो फायर निकलती है रेड कलर की, सो रेडिश ब्राउन कलर देता है ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट। उसके बाद देखो वैगनर टेस्ट, वैगनर में क्या रखी थी? IP रखी थी, दैट इज हम कह सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया जो था वो वैगनर कार में रखा था। सो IP से होगा आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, और जो कलर आता है वो कौन सा आता है? रेडिश ब्राउन कलर आता है। उसके बाद देखो हैगर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट में जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, एंड ये कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। सो हैगर से याद रखो, हैगर कहा गया था पिकनिक पर गया था, सो पिक्रिक एसिड वहां से होगा। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स, अल्कोलॉइड्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आया था जीपैट में कि ड्रग्स देते हैं और आपको पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू आइसोक्विनोलिन फैमिली, इंडोल फैमिली, क्विनाजोलिन फैमिली।
सो पहले आपको बाय हार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलाइड्स करना है, उसके बाद आप वन बाय वन ड्रग्स देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसकी माइक्रोस्कोपी, उसकी मॉर्फोलॉजी, वो पॉइंट देखेंगे। सो देखो इंडोल अल्कोलाइड फर्स्ट हम देखेंगे। इंडोल अल्कोलाइड्स में मैंने ट्रिक बताई है, यह इंदौर में रहता था राहुल। राहुल जो था वो बहुत ईगो वाला था, वो फंसा था विनी एंड भूमि के प्यार में। सो देखो इंदौर से याद रखना है इंडोल अल्कोलाइड्स, राहुल से याद रखना है रावलफिया, उसमें ईगो था, सो ईगो से याद रखना है अर्गोट, ईगो से याद रखना है अर्गोट। उसके बाद फसा से याद रखना है फाइसोस्टिग्मिन, विनी से याद रखना है विनका, एंड भूमि से याद रखना है भूमिका, सो नग्जवोमिका, भूमिका से याद रखना है नग्जवोमिका। सो ये ड्रग हो गए जो कि कौन से क्लास के अंदर आते हैं, अल्कोलाइड्स। अल्कोलाइड्स की ट्रिक क्या बताई है, इंदौर में रहता था राहुल, राहुल में बहुत ईगो था, वो फंसा था भूमि और विनी की प्यार में। सो उससे आप याद रख सकते हैं ये ट्रिक, यानी ड्रग्स आपको रिमेंबर करना ही है, ये कंपलसरी है फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद देखो ये सेकेंड अल्कोलाइड, इंडोल अल्कोलाइड जो है उसके सिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर यूज होता है इन प्लांट, मीन्स प्लांट के अंदर ही इंडोल अल्कोलाइड्स प्रेजेंट हो गए, तो उसका सिंथेसिस होने के लिए जो प्रिकर्सर यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड विच इज यूज एज एन ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल अल्कोलाइड्स इन द प्लांट। सो आप ये कैसे याद रख सकते हैं, इंडोर पर हम क्या गए थे, ट्रिप पर गए थे, ट्रिप कहाँ गई थी, इंदौर। सो ट्रिप से याद रखना है ट्रिप्टोफैन, किसमें, इंडोल अल्कोलाइड्स में। उसके बाद देखो कि हॉपकिन कोल टेस्ट एक टेस्ट होता है, हॉपकिन कोल टेस्ट जो है इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स। सो देखो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि जो हॉपकिन कोल टेस्ट होता है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड हमने प्रिकर्सर यूज़ किया था वो किस टेस्ट से डिटेक्ट हो जाता है, दैट टेस्ट इज हॉपकिन कोल टेस्ट। हॉपकिन कोल टेस्ट जो होता है उसमें मेन रिएजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड इज मेनली यूज इन केस ऑफ हॉपकिन कोल टेस्ट, एंड वो कौन सा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। जब हमें इंडोल अल्कोलाइड लैब स्केल पर सिंथेसाइज करना होता है सो एट दैट टाइम द प्रिकर्सर यूज इज कॉल्ड एज मैनिज रिएक्शन, और मैनिज रिएक्शन और मैनिज बेस हम यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोल अल्कोलाइड ऑन लैब स्केल। आपको मैनिज रिएक्शन के कारण हमें इंडोल अल्कोलाइड मिलता है इन लैब स्केल, आप ऐसा याद कर सकते हो। उसके बाद देखो सेकेंड अल्कोलाइड जो है वो है आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड। आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड जो है वो इसमें जो प्रिकर्सर यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड इज द टायरोसिन। आपको टायरोसिन कैसे याद करना है, देखो टायरोसिन में क्या है, ओसिन है, ओके, एंड ये आइसो है, आइसो का हम जब उल्टा करते हैं, सो देखो ये तीन वर्ड हम उल्टे करेंगे तो ओ आई एस, समझ में आया। ऐसे आपको याद करना है कि आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड्स के लिए जो प्रिकर्सर यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं टायरोसिन। ड्रग्स कम्स अंडर आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड, दैट इज ओपियम, इपिकैक, क्यूरेर, बर्बरिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द दारू हल्दी। एंड अभी मैंने जस्ट बताया कि वोलेटाइल्स लिक्विड के, सॉरी कि उसका कलर का एक्सेप्शन था, कि कलर जो था वो कैसा था, येलो कलर था, एंड वोलेटाइल लिक्विड्स में तो हमने CNS याद किया था। सो आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है कि से याद करना है। उसके बाद देखो हाइड्रास्टिस इज ड्रग आल्सो कम्स अंडर आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड्स। ये सारे जो ड्रग्स है वो किसके अंदर आते हैं, आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड्स के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो ट्रोपेन अल्कोलाइड्स। ट्रोपेन अल्कोलाइड्स के लिए जो प्रिकर्सर यूज किया जाता है उसका नाम है ऑर्निथिन। सो ट्रिक मैंने क्या बताई है, टोपा किसने पहना था, नितिन ने पहना था, सो टोपा से होगा ट्रोपेन एंड नितिन से होगा ऑर्निथिन। ड्रग्स कम्स अंडर ट्रोपेन अल्कोलाइड्स, दैट इज बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रोपोनियम, डुबोइसा, कोका एंड धतूरा, दिस ड्रग्स आर कम्स अंडर ट्रोपेन अल्कोलाइड्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन में मैंने ट्रिक बताई है कि मिड से याद रखो, मिड सेम में क्या करते हैं, पीते हैं, सो पीलो से याद रखना है, पीलो सबको बोलते हैं पीलो, अब मिड सेम आ रहा है, सो पीलो से याद रखना है पीलो कार्पस। उसके बाद देखो क्विनोलिन डेरिवेटिव। क्विनोलिन डेरिवेटिव में आपको याद रखना है सिंकोना एंड कैम्टोथेका इज कम्स अंडर क्विनोलिन डेरिवेटिव। उसके बाद देखो क्विनाजोलिन डेरिवेटिव। क्विनाजोलिन डेरिवेटिव में जो ड्रग आता है उसका नाम है वसाका। उसके बाद देखो स्टीरॉयडल डेरिवेटिव जो होता है अल्कोलाइड्स का, उसके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं, दैट इज अश्वगंधा, कुरुची एंड वेरेंड्रम, दिस ड्रग्स आर कम्स अंडर द स्टीरॉयडल अल्कोलाइड्स। अश्वगंधा इज फेमसली नोन एज इंडियन जिंसन। उसके बाद देखो पायरिडिन डेरिवेटिव जो है उसके अंदर कौन से ड्रग आते हैं, अरेका एंड लोबेलिया। पायरिडिन जो है उसका लिए जो प्रिकर्सर यूज किया जाता है उसे बोलते हैं लाइसिन। लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड विच इज यूज एज एन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ पायरिडिन। उसके बाद देखो प्यूरिन डेरिवेटिव। प्यूरिन डेरिवेटिव में जो ड्रग आते हैं वो टी, कॉफी, चॉकलेट एंड कोला, दिस आर कम्स अंडर द प्यूरिन डेरिवेटिव। उसके बाद देखो पाइपेरिडिन डेरिवेटिव। पाइपेरिडिन डेरिवेटिव में आता है ब्लैक पेपर, पेपर से याद रखो पाइपेरिडिन डेरिवेटिव। एंड अमाइनो अल्कोलाइड्स के अंदर आता है एकोनाइट, कोल्चिकम, ग्लोरियोसा एंड एफेड्रा। सो मैं आपको ये सब सिर्फ ड्रग्स एंड उसका मेन अल्कोलाइडल कैटेगरी कौन सा है वो बताया, इसमें से 100% 1 and 2 क्वेश्चन नाइपर जीपैट बोथ में आते हैं। सो आपको ये करना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि अल्कोलाइड्स जो है वो पूरा इन डिटेल, उसके अंदर जो ड्रग आ रहे थे दैट इज रावलफिया, अर्गोट, विनका,
देन नग्स वोमिका, ये सारे ड्रग्स इन डिटेल देखेंगे, एक एक कैटेगरी के ड्रग इन डिटेल देखेंगे, ये सारे ड्रग्स, उसका केमिकल टेस्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपी होने के बाद हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 3 लेक्चर ज़्यादातर लगेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड से स्टार्ट करने वाले हैं। सो कोई चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।